बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ने ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी रौनक जगह महफिल है। ये जो पंचनेटा मुकाम पर रेस्ट हाउस है उसी जैसा महफिल का आदा है। इसमें जनाब रूहे रहमान मुफ्ती सगीर साहब, जनाब मैर कस्तो आए, उस तो बाद डॉक्टर औरंगजेब साहब, महबूब साहब, उस तो अलावा जनाब असर को वकास साहब है, हकीम अफजल इंसारी साहब जनाब इस महफिल की रौनक बख्शी है, उस तो बाद साजिद अजीज साहब, बाकी कैसे ऐसा भी था बैठे हैं। जितने असने मेहमान है आज असन ये इतना गेट टुगेदर है और इस महफिल ने असने बकायदा अगस्त रात के कम पर मैं करने हैं। जिन्हें साहब भी मैं गुजारिश करना कि सौ अल्लाह ने बबरकत फिलहाल अगस्त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। इतना खूबसूरत और रूह प्रोग्राम है, रूह परवर प्रोग्राम है। इसलिए जरिए पंचटाने मुकाम पर इनका है। इसमें जनाब नासिर साहब मौजूद है, सऊदी अरब तो स्पेशल तशरीफ लाए। इस आका ने जोर बुलाया कि जब मैं कबूल शावर करने से मैं दावत देना नब जाकर हुसैन साहब के और नाते रसूल मूसा सलम के साथ ते सरकार मियां साहब फरमांदे नी
ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸੇ ਚ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਦੀਗਰ ਦੋਸਤ ਬਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੂਮਾ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਲੋਕੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਖਜੂਰੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਪਲ ਦੂਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਉਹਦੇ ਬਿਨ ਯਾਰ ਲੋਹੇ ਦਰਦੇ ਉਹ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਯਾਰੋ ਜੰਨਤ ਜਾਸ ਸੰਗ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਾਤ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਪਰ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਆ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਕ ਉਸੀ ਬੁਰਾਕ ਉੱਡਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤੀ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਉੱਤਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਚਣੇ ਉਸਨ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖੋ ਆਖਸਨ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਸੋਨਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਨ ਸਹਿ ਸਭ 10 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਸੋ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਾਤ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਖਲਗਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਲੱਖ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖ ਦਰੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖ ਦਰੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਨਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉਮਤ ਕਿਉਂ ਜੁਰਸੀ ਹੋ ਐਬ ਖਤਾਵਾਂ ਗੁਨਾਹੋ ਬਾਬਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੋਜ਼ਖ ਵੱਲ ਟੁਰਸੀ ਤੇ ਲੱਪਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਈ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਦਫਨਾਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਬਰ 'ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰੋ ਕਿ ਲੱਪਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਯਾਰੋ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਢੇਰ ਉਚੇਰਾ ਪੜ ਦਰੂਦ ਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਰਦ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪੇਰਾ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਘਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸਣ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸਣ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ ਛਿਲਿਆ ਜੇ ਨੀਤ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਬੇਣਾ ਵਿੱਚ ਚਿਲਿਆ ਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਣ ਕਿ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਦੇਵੀ ਇਸ ਬਾਗੇ
ओ कदी खिजा ना आवे हावन फैज हजारां ताई ते हर बुका फलकावे। ओ दुश्मन मरे ते सारे पढ़ो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना दीगर ते बिन होया मोहम्मद ओढ़ किने डुब जाना ते जिस कारीगर कड़ा बनाया कीमत लैसिया पूरी कुड़िया की जान कार मोहम्मद ए पन गुरें दिया चूड़ी ते पाक मोहम्मद ने फरमाया तुसी कर लो खिदमत मांदी जिसने काबा ए तकना होवे ओ सूरत तक लोवे मांदी ते पाई पाइयां दे पाई पाइयां दे दर्द वंडों दे ओ पाई पाइयां दिया मां बाप ने सिर दा यारो ताजे मोहम्मद ते मावां ठंडियां चावां ते सता ना बागी ए बुलबुल बोले ओ सदा ना बाग बहारां सदा ना मापे ए हुस्न जवानी ते सदा ना सोबत यारां। आखरी शेर कि सरकार मियां साहब फरमांदे नी ओलिए कराम नी गल डाट साहब करी रहे सर कि सरकार मियां साहब फरमांदे नी कि अंबलां वाले यारो लंग लंग जांदे ओ गाफिल गो ते खांदे हो पर डुबन ना देन मोहम्मद बख्शा ते काबिल पीर जिना दे। दुआ है कि अल्लाह ताला जिहड़े दोस्त अब्बा बैठे अल्लाह पाक सारे की सेहत कामला अता फरमाए और जिहड़े दोस्त अब्बा ओवरसीज पाकिस्तानी सैटलर डॉट साहब मौजूद हैं दीगर दोस्त इंग्लैंड तो अल्लाह पाक इन्हें के कारोबार ही दिन दुगना राज उन्हें बरकत अता फरमाए और असगी ऐसी महफिल च बहने की तौफीक अता फरमाए। और सब तो बड़ी गल है कि दिल शिकनी छोटे मोटे मामलात हो जाने बेशुमार दोस्तों नाल भाइयों नाल कोशिश करो कि दिलों माफ जो सो माफ कर सो रब की जात भी राजी हो सी और रब की रजा वास्ते कोशिश करो कि जो राजी कर सो दिल में मुनाफत दूर हो सन और प्यार मुहब्बत कायम और दायम रहे सी। माशाल्लाह साढ़े प्यारे दोस्त इन्होंने फरमाइश पर जिक्र ने कलमे शरीफ ने दो शेर हो सन ए कलमा मैनू बचावेगा और ए कब्र मेरी चमकावेगा ए मरण वेले कम आवे कस दूरी ए कलमा पढ़ना जरूरी हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा और आज सानू भी तेरी दीद होवे इन्ना गुलाम दिया का ईद होवे ओ जदू मरा ते कलमा नसीब होवे हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो।
सुन कमली वाला जे तू जन्नत जाना ए दुनिया एक चक्की यारो असियां इस दे दाने वारो वारी यारो सबने जान की राजे की राणे दुनिया उत्ते तू रख ले बंदे आ ऐसा बेन कलावन जे तू होवे ते हसन सारे जे तू ना होवे ते रोवन। थैंक यू सो मच जी, हकीम साहब ने बड़ा खूबसूरत कलाम पेश किया और मैं तमाम अवाब का एक दफ़ा फिर दिल किया था दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी तरफ से एक मैसेज है कि इस छोटी सी जिंदगी में प्यार मोहब्बत बांटें और लोगों के दुख सुख में शरीक हों और किसी को तकलीफ ना दें, हमेशा कोशिश करें कि किसी की तकलीफ को कम करें। और हम जो बाहर रहते हैं वो सिर्फ हमें पता है कि कितनी वहाँ पर मुश्किल है, सब कुछ होने के बावजूद हम यहाँ के लोगों को याद रखते हैं, यहाँ के जो हमारे बहन भाई हैं उनको याद रखते हैं। और आप लोग भी एक दूसरे का, अगर कोई पड़ोसी है, कोई ग्रांग का कोई बंदा, किसी को प्रॉब्लम है, एक दूसरे का ख्याल रखें, मोहब्बतें बांटें। तो मेरा यही पैगाम है। मैं स्पेशली आज के ऑर्गेनाइज़र जहीर साहब और बाकी जितने हैं सबको मैं दिल किया था अगर उसे शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती सगीर साहब, हमेशा ये एक चीज़ जो इनकी जो खूबी है ना वो मैं आपको आज बता दूँ कि वो खूबी यह है कि ये कहते हैं कि कोई आए और मेरे साथ आए, इनके दस्तरखान पे अकेले बहुत कम चांस होता है कि ये बैठे बैठ के खाना खाए, कि कोई ना कोई बंदा मेरे साथ आए। और ये सबसे बड़ी बड़ी इनकी खूबी है। महबूब साहब इंग्लैंड से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, साजिद अजीज साहब का और तमाम अवाब का जो इस पुरौनक महफिल में तशरीफ लाए और स्पेशली हकीम साहब ने जो कलाम सुना दिया तो दिलों को मुनव्वर कर दिया है। और ये जो साइंस लोग है ना हकीम साहब, अमेरिका और इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं ना वो उनके दिलों की ठंडक है। और कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता पूरी दुनिया में आप देख लें कि जिसमें मियाँ साहब का जिक्र ना हो, मियाँ साहब का कलाम पेश ना किया जाए। तो ये मियाँ साहब हर जो प्रोग्राम है ना उसकी मियाँ साहब का कलाम रौनक होता है। और मैं अक्सर ये हमें हो रही है और ये सबसे बड़ी हमारा स्पेशली चुड़ैल के लोगों की खुशकिस्ती है कि मियाँ साहब ने अपनी जवानी का वक्त और पंजाब शरीफ में गुजारा। और इंशाल्लाह हम पंजाब शरीफ का भी विजिट करेंगे। सब अब आपका दिल किया था बैठ के, उन्होंने लिखा है सहमलूक जो लिखा है वो पंजन में उन्होंने लिखा है। और उस वक्त तो चंद ही घर होते थे वहाँ पे, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको विजिट कराएंगे, उनकी बैठक का विजिट इस दफ़ा कराएंगे इंशाल्लाह। तो ये मियाँ साहब की जो है ना उन्होंने जो आसान लफ्जों में कुरान की तशरीह की है, हदीस की तशरीह की है जो आम लोगों की समझ में आए। और ये कलाम जो है ना ये बरकत के लिए भी पढ़ा करें। और मैं ये अक्सर मैं कहता हूँ वहाँ पे प्रोग्राम में कि पंजन के लोग आप दूसरे बंदे से पूछे ना तो उसको सैम लुक आता होगा। और बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनको सैम लुक ज़बानी याद है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अपनी तरफ से, अपने इस पूरे इलाके की तरफ से तमाम लोगों का दिल किया था कि उसे शुक्रिया अदा करता हूँ। आजी साहब आपने बात करनी है, हाजी जहीर साहब भी बात करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे और बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया जी सारे ना, डॉक्टर साहब, मुफ्ती सगीर साहब, अफजल अंसारी साहब, गुरैज साहब, नासिर साहब, साजिद साहब, मारूफ साहब, जितने भी साथी हैं सारे सारे ना शुक्रिया। तुसा एक छोटे जे टाइम कटी बड़े मुश्किल नाल मुफ्ती साहब जो भी आए इन्ना नशा तो, अफजल साहब जी इन्ना नशा तो चार प्रोग्राम इन्होंने शार्ट टाइम भी जनाब सारे साथियों की कट्ठिया करी ये जनाब मैं तुम सारे में शुक्रिया अदा करना कि तुसा कि एक एक कॉल की है सर जी सारे बच्चे इतना पहुंचे। डॉक्टर साहब, महबूब साहब, तुसा ना बहुत बहुत शुक्रिया, तुसा जनाब इन्ना सारे ने हौसला अफजाई और सारे बंदे ख्याल रखने हो तो मैं तुसा सारे ने शुक्रिया अदा करना। मैं सारे बंदे ने शुक्रिया अदा करना कि सारे इतने कट्ठे हो एक महफिल आई है, सवाबे ने सवाब है तो खाने ने खाना आई है। तो खास करी डॉक्टर साहब ने, मुफ्ती साहब ने, रंगदेव साहब, दूसरे महबूब साहब ने, बाकी सारे बंदे ने बहुत बहुत शुक्रिया कि सारे इतने बैठे। चलो एक हाथ ने महफिल भी होगी तो आमने सामने नहीं हो
बहुत शुक्रिया मेहरबानी। इसा बरी का आखिरी मियां साहब का कलाम साजे साहब तुसाने नजर सजना बाजे आराम नावे चिचिर ना बेये जुड़े के कुकड़ बांग दीती नहीं आया अजय शहजादा मुड़ के शुक्रिया अदा करना और जिन्हें भी इस प्रोग्राम की अरेंज किया और स्पेशल रेस्ट हाउस ने जितने मुलाजमीन और कार साहब ना दिल्ली था करने का शुक्रिया अदा करना। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में सुनना लाजर हो सब। बहुत शुक्रिया।